हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत मामानी और मैं आप सबका स्टडी आईक्यू में बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 13 मार्च है और देखते हैं आज के पीआईबी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। इसी के साथ आइडेंटिफाई कीजिए इस व्यक्ति को। लास्ट जो तस्वीर आपको प्रोवाइड की गई थी वो थी प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस की। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इनको आइडेंटिफाई कर लिया है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। आप करंट अफेयर्स से कितना अपने आप को अपडेट रखते हैं ये साफ साफ इस बात को बताता है, और ये जो व्यक्ति हैं ये न्यूज़ में क्यों है ये भी बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ आज सबसे पहली जो खबर है वो मॉरिशस के साथ ही जुड़ी हुई है। प्रेसिडेंट कोविंद जी वहाँ पर हैं और हमने वहाँ पर वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट का जो हेडक्वार्टर है वो पोर्ट लुई में इनोग्रेट किया है। तो ये दोनों देशों के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज है हिंदी, ये बोली जाती है। इसके अलावा दूसरी भी लैंग्वेजेस जो हैं तमिल वहाँ पर बोली जाती है। इसके साथ साथ भोजपुरी के बारे में हमने कल ही बात की थी। हिंदी भी एक ऐसी लैंग्वेज है तो वहाँ पर बोली जाती है। तो दिस इज़ द वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट, तो इसका हेडक्वार्टर है पोर्ट लुई में। और ऐसा प्रश्न आपको जीके के कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट का जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया ने हाल ही में इनोग्रेट किया है, तो वो कहाँ पर है बताइए। तो ऐसे आपको कैपिटल या फिर देश के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसमें कोई भी गलती ना करें। वो मॉरिशस का जो कैपिटल है उसमें है। इसी के साथ प्रेसिडेंट साहब ने ये भी बताया है कि दोनों देशों के बीच में कॉमन हेरिटेज है, यानी कि हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, वो काफ़ी कॉमन है। और ये बात भी सही है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बेसिकली वहाँ के बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, वहाँ की एक मेजर पॉपुलेशन जो है आज की वो इंडियन डिसीडेंट के ही हैं। वो यहाँ पर थे, कल हमने इसके बारे में भी शुगर केन और इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में चर्चा की थी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में जो एकता है, ये दोनों देशों की आइडेंटिटी है, मॉरिशस और भारत की। और प्रेसिडेंट साहब ने ये बताया है कि ये जो मैसेज है ब्रदरहुड का, भाईचारे का, वो हमें पूरी दुनिया में फैलाना है। आगे बढ़ने से पहले डियर फ्रेंड्स, ये मेरा फेसबुक पेज है जिसके ऊपर से आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा यू कैन फॉलो मी, यू कैन गेट इन टच विथ मी एज वेल। आपकी प्रीलिम्स अब बहुत दूर नहीं है, स्टडी आईक्यू के टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है। प्लीज़ चेकआउट studyIQ.com टू फाइंड आउट अबाउट इट। इसके अलावा आपके यूपीएससी के जो कोर्सेज हैं उसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा ऑप्शनल कोर्सेज हैं। डिफेंस की एग्ज़ाम भी हम कवर करते हैं, एसएससी, बैंक कोर्सेज एंड मच मोर ऑन studyIQ.com। आज एक बहुत दुखद खबर हमारे सामने है। दुखद खबर यह है कि हमारे CRPF के जो जवान हैं वो शहीद हो गए। उनके ऊपर एक अटैक हुआ छत्तीसगढ़ में। सुकमा जो डिस्ट्रिक्ट है ये एक कोर एरिया है माओइस्ट का, ये एक कोर एरिया है। इसे रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है, राइट। और ये रेड कॉरिडोर का जो इश्यू है ये हमारे देश की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी की जब हम बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज है ये। बहुत सारे हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं। बहुत सारा ऐसा एरिया भी है जहाँ पर डेवलपमेंट का काम हम नहीं कर पाते। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे भी विलेजेस हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है। उनको ये भी नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड्स नहीं है, टेलीविज़न नहीं है, मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं है। ये सारी चीज़ें आप सोचिए, आज भी वो 17th या 18th सेंचुरी की जो लाइफ है वो जी रहे हैं। वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है सिक्योरिटी चैलेंज। आपको याद होगा कई बार हमने इसके बारे में बात की है कि सिक्योरिटी जो है वो सबसे बेसिक है। सिक्योरिटी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, और रेड कॉरिडोर जो है वो हमें यही सिखाता है। दूसरी जो एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज आप सब कोई जो है स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करते ही होंगे। व्हाट्सएप या दूसरे भी ऐप्स हैं जो बेसिकली सोशल नेटवर्किंग का ही काम करते हैं। वहाँ पर आपने फेक न्यूज़ भी देखी होगी, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ भी हमें देखने को मिलते हैं और नकारात्मक सोच भी देखने को मिलती है। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस सिस्टम से परेशान हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन सिक्के के दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमें ऐसे CRPF पर्सोनल भी दिखते हैं। ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जो अपनी जान न्योछावर करने के लिए मीन्स हमेशा रेडी हैं। हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए वो वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो क्या वो लोग कंप्लेन करते हैं या फिर वो एक्शन करके दिखाते हैं? दिस इज़ द डिफरेंस। और यही एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर हमें चलना पड़ेगा। अगर हम हमारी हिस्ट्री को अच्छी तरीके से देखें तो हम अगर आप अच्छी तरीके से एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि आज की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है, राइट। और आने वाले टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकेगा। इसमें कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहला जो स्टेप मैं मानता हूँ वो है माइंडसेट का स्टेप। जब हम तय कर लेंगे कि यस वी कैन चेंज द सिचुएशन इन आवर कंट्री, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो हम ही चेंज करेंगे, क्योंकि बाहर से कोई यूएसए या फिर जापान के जो सिटीजन्स हैं वो आकर यहाँ की गंदगी या फिर पॉलिटिक्स में अगर कोई चीज़ें चल रही है, करप्शन है, जो कोई भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कोई और आकर नहीं करने वाला है, हमें ही करनी होगी। हम ही यंगस्टर्स हैं, हमें ही इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और सीआरपीएफ पर्सोनल और दूसरे जो पर्सोनल हैं जो अपनी जान न्योछावर करते हैं, उनको जो राइट अगर हम सैल्यूट पे करना चाहते हैं तो वो होगा डेवलपमेंट से। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने जो कॉन्डोलेंस हैं, अपना जो दुख है वो व्यक्त किया है, उन्होंने प्रार्थना भी की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 सीआरपीएफ के पर्सोनल जो हैं उसमें 2 एएसआई भी शामिल थे, 9 पर्सोनल इन टुगेदर, इसमें 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल थे। तो उनका निधन हो गया है, राइट, वो शहीद हो गए हैं। और 2 जो जवान हैं वो आज भी गंभीर हालत में है, उनको एयरलिफ्ट कर लिया गया था बाय आवर रेस्क्यू पीपल। और ये जो माओइस्ट है उन्होंने आईईडी का इस्तेमाल किया। आईईडी का मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये हाईटेक एक बम होता है। और एंटी लैंड माइनिंग व्हीकल जो है उनको भी उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। और ये भी कहा जाता है, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, कि फॉरेन एलिमेंट्स का भी इसमें हाथ है। ये जो वेपन्स हैं, ये IEDs हैं या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं, तो दूसरे देश भी इसको प्रोवाइड करते हैं। और ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है। मनमोहन सिंह साहब ने इसको सबसे बड़ा ख़तरा बताया था इंटरनल सिक्योरिटी की जब वो बात कर रहे थे। तो एंड दिस इज़ ए बिग खतरा फॉर आवर नेशन, बिकॉज आप देखिए, इससे पहले मुझे याद है कि आई थिंक 2016 के एंड में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट यहाँ पर ही हुआ था। एक साथ बहुत सारे जो हमारे जवान हैं उनको एम्बुश किया गया था और उनके ऊपर फायरिंग की गई, और लगभग समवेयर अराउंड 20+ ऐसे जो हमारे जवान थे वो शहीद हो गए थे। तो दैट वाज अ बिग थिंग। और इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है, कैरेट्स एंड स्टिक्स, यानी कि जहाँ पर गोली की ज़रूरत है वहाँ पर गोली, और जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर टच ऑफ डेवलपमेंट। इसी स्ट्रेटजी से हम इस एरिया को डेवलप कर सकेंगे या फिर मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ सकेंगे। होम मिनिस्टर किस तरीके से या फिर होम मिनिस्ट्री इस ऐसी चीज़ों को कैसे हैंडल करती है वो आप इस PIB के न्यूज़ से समझ सकते हैं। देखिए, हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं वही इनके मेन बॉस होते हैं। ये जो पैरामिलिट्री ऑफिस है वो बेसिकली पैरामिलिट्री की जो फोर्सेस है उनकी जो मेन ऑफिस है वो होम मिनिस्ट्री के तहत ही काम करती है। होम मिनिस्टर पूरे देश की, जब भी हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो ही इज़ द मेन पर्सन, ये हेड है। और उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। दिस इज़ ऑफ कोर्स ए ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर। इसी के साथ साथ उन्होंने जो जूनियर मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, हंसराज आहिर साहब को तुरंत ही छत्तीसगढ़ रवाना होने के लिए कहा है। इसी के साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF को भी छत्तीसगढ़ जाने का आदेश दिया गया है। अब ये होगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं तो वहाँ के होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी बातचीत होगी, वहाँ के पुलिस के जो चीफ है उनके साथ भी मुलाकात होगी, इंटेलिजेंस चीफ है उनके साथ मुलाकात होगी, राइट। तो ये एक मीटिंग बैठेगी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो सारी की सारी चीज़ें का पर्सनली अपडेट लेंगे और फिर वो टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ जो इसमें CRPF के जो हेड हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। अब मूविंग ऑन टू अनदर आइटम, ये है दिल्ली एंड TB समिट, राइट। ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में एक जंग छेड़ी है हमारे देश ने। और अमिताभ साहब की बहुत ही खूबसूरत एडवर्टीजमेंट भी आती है DD न्यूज़ में, राज्यसभा में, लोकसभा टेलीविज़न पर या दूसरी चैनल्स में भी आपने एडवर्टीजमेंट देखी होगी कि देश जीतेगा, TB हारेगा। और यहाँ पर एक इनिशिएटिव भी शुरू किया गया, राइट, आई विल शो इट टू यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो न्यू इनिशिएटिव है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसे RNTCP कहते हैं। और इसमें एक चीज़ का यहाँ पर आप नाम देखेंगे टीबी निक्षय, राइट। तो ये जो निक्षय है ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है और इससे हम सारे के सारे जो टीबी के पेशेंट्स हैं तो उनका एक डेटाबेस भी रखेंगे। फिर आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम मेक श्योर करेंगे कि हर किसी को जो दवाएं हैं ये सारा स्टॉक है या फिर दवाएं अलग अलग जगह पर है या नहीं, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम होगा। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो हैं इस नए मिशन की वो आपको बता देता हूं। देखिए, टीबी फ्री इंडिया कैंपेन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया इस दिल्ली एंड टीबी समिट में। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों से भी लोग आए हुए थे और इसमें एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान भी हमने तय किया है। ये मिशन मोड के ऊपर हमें काम करना है और दुनिया का जो ग्लोबल डेडलाइन है टीबी को एंड करने के लिए वो है 2030 की, लेकिन भारत जो है ये 2025 तक एंड कर देगा टीबी को। टीबी कितना बड़ा है हमारे देश में या फिर टीबी का खतरा कितना है, उसके दो आंकड़े मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड आई एम श्योर इससे जो टीबी का जो खौफ है वो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दुनिया का जो 25% जो बोझ है टीबी का, यानी कि 25% दुनिया में अगर 100 पेशेंट्स हैं तो उसमें से 25 पेशेंट्स आपको भारत में मिलेंगे। इसके साथ साथ एवरी सिंगल डे 1200 जितने जो लोग हैं 1200 लोग टीबी का शिकार होते हैं, वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ टीबी। इसके अलावा जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, राइट, एमडीआर टीबी, तो ये देश में बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ एक एक्सटीआर टीबी कहते हैं, राइट, तो ये भी यहाँ पर अब बढ़ता जा रहा है। तो इसको एंड करना ऑफ कोर्स हमारे देश के हित में ही है क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार इससे उजड़ जाते हैं। एक ऐसा टाइम था 25 साल पहले जब WHO ने टीबी को इमरजेंसी के तौर पर डिक्लेयर किया था। और आज आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न भी है, बहुत इजी है। टीबी जो है ये वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से? दिस इज़ अ वेरी बेसिक, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनेशन में ये होता है कि अभी तो आपको पता होगा लेकिन एग्जाम के प्रेशर में चीज़ें आपके दिमाग से चली जा सकती है, ऐसा हो सकता है, राइट। तो मेक श्योर कि आप अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। अगर आपके कलीग ने, आपके जो को एक्सपीरियंस है उन्होंने डाला है आंसर, दैट्स फाइन, वो उनका आंसर है। आपका आंसर जो है वो आपको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालना ही है। इसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि जो हेल्थ का इश्यू है, हेल्थ जो है ये स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट के कोऑपरेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। सेंटर जो है उन्होंने पैसे ज़्यादा इसको एलोकेट कर दिए हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। आने वाले टाइम में इसको एक स्पेशल टॉपिक के तौर पर भी देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो खबर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और लेटर ऑफ कंफर्ट एंड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर से ये घोषित किया है कि LOU एंड LOCs, राइट, जो ट्रेड क्रेडिट्स के लिए दिए जाते हैं इम्पोर्ट्स के लिए, तो अब से बंद किए जाते हैं, राइट। और लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसको सब्जेक्ट टू कंप्लायंस, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। सब्जेक्ट टू कंप्लायंस एक मास्टर सर्कुलर जो बाहर निकाला था 2015 का, अगर उसके तहत सारी चीज़ें हो रही है तो दैट्स फाइन, वरना LOU और LOC आर आउट ऑफ डेट नाउ। अब आपको ये डाउट होगा कि ये LOC और LOU बेसिकली है क्या। देखिए, एक लेमैन एग्जाम्पल देता हूँ आपको जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी होपफुली। अगर आप एक इम्पोर्टर हैं और आप हैं A, एक पार्टी है जिसका नाम है B, आप इनसे चीज़ें मंगवाते हैं। अब एक बैंक है जिसका नाम है XYZ जो बैंक है वो एक लेटर आप उनको बताएंगे कि आप मुझे LOC या LOU निकाल कर दीजिए। LOC का एग्जांपल अगर हम लें तो फिर फॉर एग्जांपल दोनों की चीज़ें जो हैं वो नियरली सेम ही होती है। वो एक गारंटी के तौर पर काम करती है कि एक बैंक जो है वो लेटर निकाल कर B को देगी कि अगर B के पास A से आपको अगर पैसे लेने हैं, से फॉर एग्जांपल 100 रुपये लेने हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, ये लेटर ऑफ कंफर्ट है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, तो उनसे आप पैसे हासिल कर सकते हैं, राइट। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यूज्ड टू बी हैपन और इससे ये हो रहा था कि पंजाब नेशनल बैंक में यही चीज़ का उपयोग करते हुए इतना बड़ा कौभांड किया गया, तो दिस इज़ द रीज़न इसको बंद किया गया है। अब एक इम्पोर्टेंट खबर है आयुष को लेकर और आयुष के ऊपर से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसको ध्यान में रखिएगा। एक मार्जिनल यानी कि एक छोटा सा इंक्रीज़ किया गया है एलोकेशन में, बजट एलोकेशन में, NAM यानी कि नेशनल आयुष मिशन में, और पहले 490 करोड़ दिए गए थे, अब उसको बढ़ाकर 504 करोड़ रुपीस किए गए हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट में। अब इन पैसों का उपयोग किस चीज़ में किया जाएगा? तो इसका उपयोग किया जाएगा नेशनल आयुष मिशन, जो नाम है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 इसका ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, यानी कि कम से कम पैसों में आयुष की जो फैसिलिटीज़ है, सर्विसेज है, वो लोगों को प्रोवाइड की जाए। इसी के साथ साथ यूनिवर्सल एक्सेस, यानी कि हर कोई इसमें एक्सेस, इनकी सेवाओं का लाभ उठा सके। जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए, डिस्पेंसरीज जो हैं उनको अपग्रेड किया जाए। इसी के साथ साथ जो आयुष की फैसिलिटीज़ है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ जोड़ी जाए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के साथ जोड़ी जाए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी आयुष की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको अपग्रेड किया जाए ताकि इसमें रिसर्च हो, अच्छी दवाई हम बना सकें। जो ड्रग टेस्टिंग की लेबोरेटरीज हैं उनको अपग्रेड किया जाए और जो मैकेनिज्म है, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, तो इनके ऊपर भी सारी चीज़ें हों। तो दिस इज़ ऑब्जेक्टिव नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर MCQs पूछे जा सकते हैं इजीली। इसी के साथ साथ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। आयुष के कंटेक्स्ट में अगर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन निकलता है देन यू कैन use these objectives for providing weight on your answer. Support cultivation of medicinal plants. अब भारत, हम लकी हैं, हमारा देश, क्योंकि जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पर, और नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन जो रेंज है तो वहाँ पर बहुत सारी औषधियाँ अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ वेस्टर्न घाट में भी आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती है। दूसरे भी जंगल्स जो हैं वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स की अलग अलग स्पीसीज़ हैं जिसमें से जिसका उपयोग हम दवाइयों में कर सकते हैं, तो उनको सपोर्ट करना, कल्टीवेशन को सपोर्ट करना और क्लस्टर डेवलप करना। दिस इज़ गोइंग टू बी योर, दिस इज़ थर्ड और ये है फोर्थ वन, यानी कि ये जो मेडिसिन है, एग्रीकल्चर जो इसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसका कल्टीवेशन में एक सपोर्ट मिले, वेयर हाउसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और एक अपडेट है, अपडेट ये है कि आयुष ने जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में, और आप बताइए कि जिनीवा जो है ये किस कंट्री में आपको मिलेगा, राइट? दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द डे, कि ये जिनीवा किस देश का सिटी है। तो जिनीवा में आपको, जिनीवा में बेसिकली ये साइन किया गया, तो जिनीवा और जिनीवा के ये WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में प्रोजेक्ट कोलाबोरेशन का एग्रीमेंट हुआ है। और इसके ऊपर भी मुझे लगता है कि MCQ पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयुष ने किसके साथ, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रोजेक्ट कोलाबोरेशन एग्रीमेंट किया है, तो ध्यान में रखिएगा, इट इज़ WHO। लास्ट आइटम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, उसकी एक एपेक्स बॉडी है एग्जीक्यूटिव कमेटी, और ये पोषण अभियान का ध्यान रखती है। अब पोषण नाम से ही आपको पता चल गया कि ये न्यूट्रिशन के साथ जुड़ी हुई है, पोषण के साथ जुड़ी हुई है, और इसके जो हेड है वो WNCD, जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उनके जो सेक्रेटरी हैं वो इनके हेड हैं। और इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं, डिसीजन ये लिया है कि हर साल ये इंडियन न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। सेकंड है कि अंबेडकर जयंती के दिन पर 14 अप्रैल पर जितनी भी ग्राम पंचायत है पूरे देश में, वहाँ पर न्यूट्रिशनल से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं तो उनके बारे में चर्चा होगी, और जो बच्चे हैं उनको, उनका जो वेट है वो लिया जाएगा और आंगनवाड़ी सेंटर्स में इन वेट को डिस्प्ले भी किया जाएगा। थर्ड जो स्टेप लिया है उन्होंने वो ये है कि अंधाधुंध दूसरे जो देश हैं उनके सक्सेस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट ना करते हुए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो चीज़ें हमारे देश के लिए फिट होती है, तो वो सारी चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। एंड फाइनली जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के, तो उनको ध्यान में रखते हुए, उनको स्पेशल फोकस में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इनके ऊपर स्पेसिफिकली काम करेंगे। तो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज PIB। ये रहे आपके आंसर्स और ये रहे आपके 2 नए क्वेश्चन। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दीजिए, आई विल सी यू ऑल सून एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर विथ योर डियर फ्रेंड्स, राइट? इससे दूसरे लोगों को भी मदद हो जाएगी। एंड यू कैन डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल, फ्रॉम माई फेसबुक पेज, एंड आई विल सी यू ऑल सून। एंजॉय योर स्टडीज। जय हिंद।